हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर कह दिया ऐसी बात दोस्तों कि पूरे अमेरिका में आ गया है भूचाल। जी हां दोस्तों, बताएंगे बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको, ऐसा क्या कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जो बाइडेन और पेलोसी का करियर समाप्त कर देंगे ये। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां ग्लोब मास्टर जरिए भारत ने यूनाइटेड किंगडम के सामने पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार भेजने का मुद्दा उठाया दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आजाद का ऐलान, हिंदुस्तानी होगी मेरी पार्टी का नाम, कश्मीरी पंडितों को बसाना मेरा काम। जी हां दोस्तों, बताएंगे बड़ी बात आपको गुलाम नबी आजाद की। और साथ ही बताएंगे जहां गुजरात में कांग्रेस को लगा है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को कहा किंग, बताया सबसे नीडर और स्मार्ट। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पूरे अमेरिका में मच गया बवाल। बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं दोस्तों। सत्ता हो या ना हो, उन्हें किसी की मुखर आलोचना करने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला हो या मीडिया को निशाने पर लेते हुए उसे फेक मीडिया करार देने का तीखा अंदाज, दोनों उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखते हैं दोस्तों। इस बीच अपने ताजा बयान में जब ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दुनिया का सबसे निडर महान लीडर और किंग बताया, तो मानो पूरे अमेरिका में सियासी भूचाल आ गया। जी हां, यूं तो ट्रंप के तीखे और अजीबोगरीब बयानों की वजह से दूसरे राजनीति दलों के नेता उन्हें विवादित बयान देने वाला नेता बुलाते हैं, ट्रंप के इस बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है दोस्तों, जिसे शेयर करके लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है दोस्तों। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि यह बयान फासीवादी और लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक महान शख्सियत है जो 1.5 अरब लोगों को आसानी से हैंडल करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि से उनका अच्छा तालमेल है, उनका तरीका शानदार है, वो एक ऐसे शख्स है जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता, ना कोई उनके जैसा बन सकता है। ट्रंप का यह बयान तब आया है दोस्तों जब ताइवान और उइगर मुसलमानों पर आई यूएन की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी चरम पर है। आपको बता दें दोस्तों, सिर्फ इतना ही इन्होंने नहीं कहा दोस्तों, आपको बता दें ट्रंप ने जो बाइडेन को देश का दुश्मन और FBI रेड पर सत्ता का दुरुपयोग बताया है दोस्तों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI की रेड के बाद पहली बार एक किया दोस्तों, और राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्र का दुश्मन करार दिया है। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है दोस्तों, और उनके घर पर जिस प्रकार से FBI का छापा पड़ा दोस्तों, रेड पड़ा है, उसको जो बाइडेन की तरफ से सत्ता का दुरुपयोग बताया है दोस्तों। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्तों बड़ाई करना, तारीफ करना, आप लोगों की क्या राय होने वाली है दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता होता कि वो क्या बयान दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी राय तो बनती ही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सके दोस्तों, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ग्लोब मास्टर के जरिए भारत ने यूनाइटेड किंगडम के सामने पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार भेजने का बड़ा मुद्दा उठाया है दोस्तों। भारत ने ब्रिटेन के साथ पिछले महीने ब्रिटिश विमानों के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को हथियार हस्तांतरण का मुद्दा उठाया। ये एक ऐसी स्थिति है जो ब्रिटेन के साथ भारत के रक्षा संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है दोस्तों। भारत सरकार ने पिछले महीने लगभग 12 दिनों की अवधि के लिए UK वायुसेना के विमानों का उपयोग करके पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार भेजने के बात कही थी दोस्तों। पाकिस्तान में बने गोला बारूद जो यूक्रेन में मिले थे, जिनका अब युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोस्तों। भारत ने UK के सामने मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया था और पूरे ऑपरेशन के बारे में विवरण साझा किया था दोस्तों। सूत्रों ने कहा है कि भारत सरकार विकास और भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों पर इसके संभावित प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रही है दोस्तों। UK की योजना रक्षा हार्डवेयर सहयोग सहित भारत के साथ रक्षा संबंधों को उन्नत करने की है दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की बात करें, जहां पर चीन की धमकियों को ताइवान ने किया दरकिनार, दुनिया के दूसरे देशों के साथ जुड़ने का संकल्प। जी हां दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तल्खी किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिकी स्पीकर के दौरे के बाद तो ऐसा लगा था जैसे चीन ताइवान पर हमला बोल देगा,
बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। दूसरी ओर ताइवान भी चीन की धमकियों से डरने वाला नहीं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने शुक्रवार को बीजिंग की धमकियों के बावजूद दुनिया के दूसरे देशों के साथ जुड़ने का संकल्प लिया। ताइवानी राष्ट्रपति ने कहा है कि ताइवान को दुनिया के साथ जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग ने 2 सितंबर को 26वें फोरम 2000 सम्मेलन के समापन पर दिए अपने वीडियो भाषण में कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि ना तो धमकी और ना ही जबरदस्ती ताइवान को दुनिया के साथ जुड़ने से रोक सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान और उसके लोग क्षेत्रों में लोकतंत्र के साथ सहयोगी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ साई ने फोरम 2000 फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक जैकब क्लेपाल और संगठन में उनके सहयोगियों को ताइवान के लोकतंत्र के लिए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ताइवान जो हिम्मत दिखा रहा है दोस्तों वो तारीफ काबिल है, तो ये होना चाहिए। कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत से संबंध तोड़ने के ख्वाब वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। जी हां, हम किसी का कंट्रोल सहन नहीं कर सकते और हम पर किसी का कंट्रोल नहीं। जी हां, तालिबान ने किसको सुनाई ये बात, आपको बता दे दोस्तों। तालिबान ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान संबंधों को तोड़ने वाले अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज इस आतंकी समूह ने विदेशी नियंत्रण को लेकर भी सफाई दी है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने साफ शब्दों में कहा है कि तालिबान पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 1 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान की इस्लामिक अमीरात सरकार को मान्यता नहीं दी है। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को अफगान पर कब्जे में सबसे ज्यादा मदद की है, वो भी लाभ मिलता ना देख पीछे हट गया है दोस्तों। ऐसे में तालिबान को समझ आ गया है कि उसे अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा भारत की आवश्यकता होगी, और यही कारण है कि तालिबान अब भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने पर जोर दे रहा है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत चीन संबंधों पर बोली शेख हसीना, कहा समस्या उन दोनों देशों के बीच में है, मैं नहीं घुसाना चाहती अपनी नाक। जी हां दोस्तों, भारत चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने पर बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने कहा कि हमारी विदेश नीति बहुत साफ है, सभी से दोस्ती, दुश्मनी किसी से नहीं। अगर कोई समस्या है तो वो चीन और भारत के बीच है, मैं इसमें अपनी नाक नहीं घुसाना चाहती, मुझे अपने देश का विकास चाहिए। भारत के दौरे पर आने से एक दिन पहले ANI को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा, भारत हमारा पड़ोसी देश है, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है, हमें समस्याएं अवश्य है लेकिन हमने बहुतों का समाधान किया है। भारत और चीन दोनों, मुझे लगता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़ोसी देशों से कोई समस्या है तो उसे द्विपक्षीय रूप से हल किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शेख हसीना ने आगे कहा, जब आप साथ साथ रहते हैं तो कुछ समस्याएं अवश्य आती हैं या बनी रहती हैं, आप उन्हें हल कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी मुद्दे हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इतना ही नहीं शेख हसीना ने भारत को लेकर ये तक कह दिया है दोस्तों कि भारत हमारा टेस्टेड फ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, हमने मुश्किल की घड़ी में भारत को टेस्ट करके देख लिया है और वो टेस्टेड फ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, यानी भरोसे लायक हमारा दोस्त है भारत। मुश्किल में मदद के लिए पीएम मोदी जी की भी जमकर तारीफ की दोस्तों, उनको धन्यवाद कहा। जी हाँ, शेख हसीना ने कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच हमारे कई छात्र पूर्वी यूरोप में फंस गए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल के बाद भारत ने बचाया। उन्होंने अपने देश के छात्रों को बचाने के लिए दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल की सराहना की, और इस दौरान शेख हसीना ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत पड़ोसी देशों को COVID-19 वैक्सीन प्रदान करने के मोदी सरकार के फैसले की भी प्रशंसा की दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन की मौत पर जताया शोक, कहा साइरस मिस्त्री की मौत दुनिया की बहुत बड़ी क्षति है। जी हां दोस्तों, मुंबई के पालघर में हुए एक सड़क हादसे में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। अहमदाबाद से मुंबई जाते वक्त उनकी कार के डिवाइडर से टकराने से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई दोस्तों। और इस दुखद खबर से पूरे उद्योग जगत समेत पूरा देश स्तब्ध है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी समेत देश की कई राजनीतिक और उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों ने इस हादसे पर गहरा शोक और साइरस मिस्त्री के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है दोस्तों। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने महाराष्ट्र के DGP को घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि श्री साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो एक होनहार व्यवसायी नेता थे जो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास करते थे। उनका निधन वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उसके परिवार तथा मित्रों
लोगों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। जी हाँ दोस्तों, आप ट्वीट देख पा रहे होंगे मोदी जी का। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, शायद मिस्त्री जी की मौत को लेकर उनको श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अपने उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है दोस्तों। ऐसे में आपका कहना तो बनता ही है। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए गुपचुप पटाली एफएटीएफ की टीम, जी हाँ 5 दिवसीय दौरे की नहीं लगने दी पाकिस्तान ने भनक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, टेरर फंडिंग के आरोपों के कारण वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा पाकिस्तान इस सूची से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है दोस्तों। इसके लिए वो हर जगह उस जुगाड़ में जुटा हुआ है जिससे वो इस सूची से अपना नाम बाहर निकलवा सके। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अब ऐसा खेल रचा है दोस्तों कि जल्द ही उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना नजर आने लगी है दोस्तों। दरअसल एफएटीएफ की 15 सदस्यीय टीम ने 5 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंची थी, जिसकी जानकारी गुप्त रखी गई थी दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार एफएटीएफ की टीम 29 अगस्त से 2 सितंबर तक यहां रही थी। पाकिस्तान ने इस दौरे के दौरान एफएटीएफ टीम की आंखों में खूब धूल झोंकी और उसे अपने पक्ष में करने के लिए पटा लिया। लगता है दोस्तों, पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबरों के मुताबिक एफएटीएफ की टीम द्वारा किए गए पाकिस्तान दौरे से पाकिस्तान को काफी फायदा होगा और इसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में मजबूती मिलेगी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या गुपचुप तरीके से पाकिस्तान अपने आप को एफएटीएफ से निकलवाने के लिए दोस्तों किसी और देश को पता नहीं लगने दे रहा है ताकि उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर जरदारी और नवाज अपना आर्मी चीफ लाना चाहते। इमरान खान का बहुत बड़ा बयान दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद इमरान खान सेना से काफी नाराज है और यही कारण है कि अपनी रैलियों में वे पाकिस्तानी सेना पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं दोस्तों। इमरान खान ने फैसलाबाद में आयोजित एक रैली में दावा किया है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने पसंदीदा अधिकारी को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। वर्तमान के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इसी साल नवंबर में रिटायर हो रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में उनके उत्तराधिकारी की खोज भी तेज हो गई है। इस दौड़ में पाकिस्तानी सेना के 4 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरलों के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर और जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल है दोस्तों। आपको बता दें, आखिर इमरान खान ने रैली में क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानियों सुनो, नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो इनका पसंदीदा हो और ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मोहब्ब वेतन आर्मी चीफ आ गया तो पूछेगा इनसे, तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट कर सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आगे जो भी बातें होंगी दोस्तों आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं। ऐसे में जो भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर नेपाल में भारत को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चीन समेत 3 देशों ने छोड़ा, अब उसे कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने वेस्ट सेती जल विद्युत परियोजना और सेती नदी परियोजना को भारत को विकसित करने के लिए सौंप दिया है दोस्तों। नेपाल ने 19,000 करोड़ की इस परियोजना को पहले चीन को ऑफर किया था, लेकिन चीन ने 4 साल पहले ही इस परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, जिसके बाद नेपाल ने इसे विकसित करने के लिए भारत के साथ बातचीत शुरू की थी दोस्तों। जिसके बाद गुरुवार को नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भारत के सरकारी स्वामित्व वाली NHPC लिमिटेड के साथ 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी यानी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इस परियोजना को पूरा करने के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर शर्तों को तोड़ रही पाकिस्तान सरकार, हम भी तोड़ेंगे सीज फायर। जी हाँ, खूंखार आतंकी संगठन TTP ने किया बड़ा ऐलान, मुल्क में मचा खौफ। जी हाँ दोस्तों, आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा कर दी है कि वो अपने महीनों लंबे अनिश्चितकालीन सीज फायर को खत्म करने जा रही है। संगठन ने पाकिस्तान सरकार पर अफगान तालिबान के समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया है। TTP प्रवक्ता मोहम्मद खेरा सानी ने रविवार को अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने वार्ता को सफल बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं, इसीलिए सीज फायर जारी रखना संभव नहीं है। TTP ने सीज फायर को खत्म करने के पीछे कई कारण दिए हैं, जैसे कैदियों की रिहाई न करना,
सैन्य अभियान का जारी रहना और पाकिस्तान सरकार से संवाद की कमी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक आतंकवादियों ने दावा किया है कि सरकार ने उनके कुछ कैदियों को रिहा किया था, लेकिन उन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो समझौते का उल्लंघन है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां आखिर अब किस लिए नेपाल की यात्रा पर आ रहे हैं चीन की संसद के स्पीकर, कूटनीतिक विशेषज्ञों की रहेगी पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोले तो संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष ली झानशु 12 सितंबर से नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। उनके इस दौरे को हाल में चीन के कई बड़े नेताओं की हुई नेपाल यात्रा की कड़ी में ही देखा जा रहा है। दोस्तों नेपाल पिछले काफी समय से अमेरिका और चीन के बीच अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की चाल चल रहा है दोस्तों, और चल रही होड़ का स्थल बना हुआ है। इसलिए माना यह जा रहा है कि ली झानशु की यात्रा कूटनीतिक विशेषज्ञों की खास नजर रहेगी। दोस्तों यहां सरकारी सूत्रों ने मीडिया कर्मियों को बताया है कि ली नेपाल की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा के आमंत्रण पर काठमांडू आ रहे हैं। उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी समझा जाता है। दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो में वरिष्ठ था के लिहाज से उनका दर्जा राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली किचियांग के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर लिज ट्रस या ऋषि सुनक कौन बनेगा ब्रिटेन का पीएम, बोरिस जॉनसन भी वापसी के लिए चल रहे हैं नई चाल। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला आज यानी सोमवार को हो जाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लिज ट्रस जाएंगे या ऋषि सुनक जाएंगे, इसका फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने अपने बैलेट पेपर से कर दिया है। दोस्तों चुनाव से पहले आए सर्वे बताते हैं कि लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन सकती हैं। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर फैसला 5 सितंबर को यानी आज भारतीय समय के अनुसार शाम 4 बजे होगा। दोस्तों और दोनों नेताओं ने ब्रिटेन में आर्थिक सुधारों को लेकर अपने अपने दावे किए हैं। ऐसे में दोस्तों वहां के सर्वे लिज ट्रस को ही प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या सर्वे फेल हो पाएंगे? क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के? आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और इस रिजल्ट के लिए दोस्तों ऋषि सुनक जी को बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अपने पैसों से 33 लाख नागरिकों को दूंगा मिलिट्री की ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ ताइवानी अरबपति की बड़ी हुंकार। बता दें चीन और ताइवान के बीच नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से जारी तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों ऐसे में चीनी युद्ध पोता लड़ाकू विमान लगातार ताइवानी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों और इसी बीच ताइवान के एक अरबपति बिजनेसमैन ने अपने देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। ताइवान के जाने माने व्यवसायी और एक प्रमुख माइक्रोचिप उत्पादक यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प के संस्थापक रॉबर्ट तसाओ ने कहा है कि वो अपने पैसे से 33 लाख ताइवानी नागरिक योद्धाओं को सैन्य प्रशिक्षण देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इनमें से कई लोगों को निशानेबाजी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और उनके इस हौसले के लिए उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के फिर से लौटने पर बढ़ सकता है तनाव। जी हां दोस्तों, अब क्या होने वाला है आपको बता दें, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 50 दिन तक विदेश में भटकने के बाद कोलंबो आखिर लौट ही आए दोस्तों। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इससे श्रीलंका में सामाजिक और राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ने का आशंका अंदेशा गहरा गया है। दोस्तों पर्यवेक्षकों की राय है कि अगर गोटाबाया के खिलाफ फिर से जनता में असंतोष सुलगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कर्ज मंजूर होने से आर्थिक हालात सुधरने की जगह उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, गोटाबाया राजपक्षे का श्रीलंका में होने से क्या फिर वहां की जनता में आग की लपटें दिखाई देंगी? दोस्तों क्या वो फिर से अपना विरोध दर्ज कराएंगे? बताइएगा जरूर आपको क्या लगता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान, कहा हिंदुस्तानी होगा मेरी पार्टी का नाम, कश्मीरी पंडितों को बसाना मेरा काम मेरा एजेंडा। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी का नाम हिंदुस्तानी होगा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समझे। उन्होंने कहा जो नई पार्टी बनेगी उसको लोग नाम दे रहे हैं जो गलत है। मेरी पार्टी का नाम और झंडा वही होगा जो जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे। उन्होंने कहा मैं अब दिल्ली में बैठकर आपके लिए फरमान नहीं जारी करूंगा कि मेरे झंडा ये है और ये मेरा नाम है। मेरे पास कई नाम आए, कुछ में उर्दू ज्यादा थी, कुछ में संस्कृत ज्यादा थी। मेरी पार्टी का नाम हिंदुस्तानी होगा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी समझे। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के एजेंडे के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरी विधानसभा में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर होगा। मेरा पहला काम होगा रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेट हुड राइट टू लैंड
डोमिसाइल एंड टू एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में युवा को ही रोजगार मिले, बिहार से किसी को जम्मू कश्मीर में नौकरी ना मिले। मेरे एजेंडा में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में वापस बसाना भी है। गुलाम नबी आजाद ने किया कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का वादा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हाल ही में कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई वो बंद होनी चाहिए, नए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मेरे पास भंडार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गुलाम नबी आजाद के इस नए ऐलान का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मिशन 2024 के लिए जेडीयू ने बनाया मास्टर प्लान, विपक्ष को एकजुट करेंगे नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, सोमवार यानी आज जाएंगे दिल्ली। आपको बता दें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की पटना में हुई बैठक में यह साफ किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए देश भर में विपक्षी दलों को नीतीश कुमार एकजुट करेंगे। इसको लेकर जमीन तैयार करने और विभिन्न दलों के नेताओं से मिलने के लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकृत किया है दोस्तों, जिस पर राष्ट्रीय परिषद ने रविवार को मुहर लगा दी है। मालूम हो कि विभिन्न दलों के नेताओं से बात करने मुख्यमंत्री सोमवार यानी आज दिल्ली आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार का ये पैंतरा काम आ पाएगा दोस्तों, क्या मोदी जी को हरा पाएंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार या कोई भी विपक्षी दल एड़ी चोटी का जोर लगा ले दोस्तों, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटवा सकते दोस्तों, तो अपनी बात कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, नीतीश कुमार को आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों, कि कितने साल बाद उनको ये एजेंडा तैयार करना चाहिए था, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते क्या कहती है भारत की जनता। एक और खबर की बात करें, जहां पर गुजरात में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। राहुल गांधी के दौरे से पहले ही युवा कांग्रेसी अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात कांग्रेस में जारी उठा पटक थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ महीने पहले गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था, तो वहीं अब गुजरात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेला ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात दौरे से एक दिन पहले आया है दोस्तों। उनके इस्तीफे की चर्चा पार्टी में जोर शोर से है। आपको बताते हैं, राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले 5 सितंबर को गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर टीचर्स डे पर लखनऊ में सीएम योगी जी करेंगे टॉप 10 शिक्षकों को सम्मानित। 75 नामों की लिस्ट जारी। जी हां, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के 75 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। रैंकिंग के आधार पर टॉप 10 शिक्षकों को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शिक्षक दिवस पर सोमवार यानी आज उन्हें लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर कभी आलू की फैक्ट्री तो कभी लीटर में बताया आटे का भाव। जी हां, बड़े मौके पर छोटी गलतियां क्यों कर जाते हैं राहुल गांधी। आपको बता दें, राहुल गांधी जी 2014 और 2022 के बीच चीजों के बढ़े दामों के बारे में बता रहे थे रैली में, और इसी बीच उन्होंने आटे का भाव बताया। आपको लग रहा होगा कि इसमें ट्रोल करने वाली बात क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें, असल में राहुल गांधी ने आटे का भाव किलो की जगह लीटर में बताया है दोस्तों। फिर क्या था, ट्रोल्स ने मैच में लपकती गेंद की तरह इसे भी लपक लिया और मीम्स की बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पर। जी हां दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी के इन गलतियों को दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। इसी बीच ये देव तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।